हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन गोल्ड गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सनसेविरा मतलब स्नेक प्लांट की लीफ से हम न्यू पौधे कैसे उगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये वो प्लांट है, उन प्लांटों की लिस्ट में आता है जो इंडोर प्लांट होते हैं और बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के मामले में एयर प्यूरीफायर होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हमें चाहिए कोकोपीट और कुछ सैंड चाहिए, रिवर सैंड। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से, तो हमें चाहिए एक लीफ जो कि हमें जर्मिनेट करनी है। तो हमें एक लीफ काट लेनी है, 5-6 इंच तक की हम लीफ काट लेते हैं। और उसको जो हमने ये तैयार किया है कोकोपीट और सैंड का मिक्सर, तो हम इसको इसमें लगा देते हैं जर्मिनेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स, कुछ महीने के बाद, लगभग 2 महीने के बाद, जो हमने लीफ लगाई थी उसकी रूट्स अच्छे से स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी बच्चे नहीं बने हैं, मतलब नए पौधे अभी नहीं बने हैं। तो फ्रेंड्स, जो दूसरी हमने पॉलीथीन में ये लीफ लगाई थी, हम इसके भी जर्मिनेट देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी लीफ ने रूट्स की जर्मिनेट स्टार्ट की। तो इसकी भी काफ़ी अच्छी जर्मिनेट हो चुकी है, लीफ की नई नई रूट्स निकल आई हैं, लेकिन अभी भी इसमें बच्चे नहीं बने हैं जो नए पौधे बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें कुछ टाइम लगना बाकी था, मतलब कुछ समय बाकी था न्यू प्लांट्स बनने में, लेकिन फ्रेंड्स हमने कुछ जल्दी ही इसको निकाल कर देख लिया, मतलब वीडियो बनाने के लिए मुझे जल्दी ये देखना पड़ा, और आपको दिखाने के लिए मैंने ये जल्दी ही इसको बाहर निकाल लिया है मिट्टी से। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरीके से अगर इसने प्लांट की कटिंग को लगा रहे हैं तो जल्दी ना करें। तो देख लेते हैं दूसरा प्लांट है हमारा, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो हमारी लीफ थी उसमें से किस तरीके से न्यू प्लांट्स निकलते, मतलब न्यू बच्चे निकलते। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये एक नया इसमें से बच्चा निकल रहा है, इसी तरीके से उसमें से भी न्यू प्लांट्स निकलते, मतलब बच्चे निकलते। तो ये दो निकल रहे हैं, एक तो ये है और दूसरी एक साइड, दूसरी साइड में आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। देखिए, ये भी निकल रहा है, ये पॉलीथीन को अलग करता हूँ। तो ये दो न्यू प्लांट निकल रहे हैं, इसी तरीके से उनसे भी निकलते। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि स्नेक प्लांट को कटिंग से कैसे उगा सकते हैं घर पर ही। तो फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप स्नेक प्लांट की कटिंग को लगा रहे हैं तो जल्दबाजी न करें, लेकिन मैंने जो जल्दबाजी की थी वो अपनी वीडियो को कंप्लीट करने के लिए की थी। आप अगर कटिंग को लगा रहे हैं और आपको नए प्लांट चाहिए, तो जब तक उसके जो न्यू प्लांट निकलेंगे 10-12 इंच तक ना हो जाए, तब तक आप ट्रांसप्लांट ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो साथ में बेल का बटन आ रहा है उसको भी एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि कोई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। आप तो फ्रेंड्स, इसी तरह की प्लांट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।